इसको हेडशॉट मारना है, मारना। ओ भाई साहब इसको भी लग गया, ओ इसको भी लग गया भाई जान। ओ अब हम लोगों ने इसको मारना है, ये लगा और अभी ये और अब लगा और अभी हम लोग यूएमपी से मारते हैं और यहाँ पर ये लगा और अभी दोबारा मारते हैं और फिर लग गया हमारा। अब हम 887 से मारते हैं और भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑटो ड्रैग हेडशॉट। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपके बहुत फायदेमंद होगी। तो अभी हम जल्दी जल्दी जाते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो यहाँ पर हम ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गए और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने हेडशॉट कैसे मारने हैं। तो यहाँ पर अभी मेरे पास डेजर्ट है, यूएमपी है और उसके बाद वुड पेकर है। यहाँ पर देखे मेरे हेडशॉट बहुत इजीली लग रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बहुत इजीली हेडशॉट लग रहे हैं। इसकी वजह क्या है, तो यहाँ पर आप देख लो जैसे मैं ड्रैग करता हूँ ज्यादा से ज्यादा ऊपर करता हूँ जिससे मेरे हेडशॉट बहुत ही इजीली कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आपने हेडशॉट मारना है तो आपने सबसे पहले जंप करके फायर करना है। आपके 95% हेडशॉट मारने के आपके चांस जरूर होंगे, आपके हेडशॉट जरूर लगेंगे। और हाँ एक और बात, अगर आपके पास लॉन्ग रेंज वाली गन है तो आपने लॉन्ग रेंज में मारना है। जैसे अभी मैं लॉन्ग रेंज में हूँ और मैंने जंप करके हेडशॉट मारा और मेरा हेडशॉट लग भी गया। और अब बात आती है शॉर्ट रेंज की। शॉर्ट रेंज में आपने ज्यादा ज्यादा ट्राई करना है कि आप बंदे के करीब जाएं। अगर आप उसके करीब जाएंगे तो ज्यादा ज्यादा हेडशॉट लगने के चांस होंगे। जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मैं जितना उसके करीब जाता हूँ तो मेरे हेडशॉट ज्यादा लगते हैं। और हाँ एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, जब भी आपने हेडशॉट मारना है तो आपने जंप करके हेडशॉट मारना है, ना कि आपने नॉर्मली जाना है। ऐसे ही अगर आपको शॉटगन यूज करके हेडशॉट मारना है तो आपने जंप करके हेडशॉट मारना है, जैसे मेरे हेडशॉट लग भी रहे हैं। ऑटो हेडशॉट मारने की एक और भी ट्रिक होती है जिसका नाम है सेंसिटिविटी। आप मेरी तरह भी सेंसिटिविटी रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से रख ले। आपने ट्रेनिंग ग्राउंड में आना और बार बार सेंसिटिविटी चेंज करके हेडशॉट मारने की ट्राई करनी है। अगर आपके लग जाए जिस सेंसिटिविटी पर, आपने वो सेंसिटिविटी रखनी है। जैसे मेरी जो सेंसिटिविटी है वो मुझे कंफर्टेबल है और इस पर हेडशॉट भी मेरे इजीली लग जाते हैं, तो मैं यही सेंसिटिविटी रखूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने अगर हेडशॉट मारने तो अपने ऊपर ड्रैग करके हेडशॉट मारने की ट्राई करनी है। जैसे मैं ऊपर ड्रैग करते हुए मेरे हेडशॉट लग भी रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये एडवाइस नहीं दूंगा कि आपके पास अच्छी डिवाइस हो तो तभी आपके अच्छे हेडशॉट लगेंगे। हेडशॉट मारने की एक और भी ट्रिक है जो बहुत ही धासु ट्रिक है। जितने मोबाइल पे यूट्यूबर हैं वो सभी इस ट्रिक को यूज करके हेडशॉट मारते हैं। तो इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आपने मोबाइल की सेटिंग में आना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और वहाँ पर आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। आपने उसको ओपन करना है, वहाँ पर एक्सेसिबल मिलेगा और वहाँ पर आपने नीचे करना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है। फिर आपने टच एंड होल्ड डिले पर क्लिक करना है। अगर आपका शॉर्ट पर है तो फिर आपको अच्छा, अगर मीडियम पर है तो आप फिर भी शॉर्ट पर करना, आपके अच्छे हेडशॉट लगेंगे। इससे आपके मोबाइल को कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किस चीज पर टच किया तो वो फौरन टच होगी। उसके बाद दूसरी सेटिंग ये है कि आपने फोन के अबाउट में जाना है और वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर वर्जन पर 3-4 बार क्लिक करना है। 3-4 बार क्लिक करने के बाद आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी ऑन है इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं है। फिर आपने डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। नीचे करते करते आपको कुछ ये ऑप्शन मिलेंगे, स्मॉल स्विच पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जितने भी होगी आपने इसको बढ़ा लेना है। और इस चीज को डीपीआई कहते हैं। आपने ज्यादा नहीं बढ़ाना, नहीं तो आपके फोन को नुकसान पहुंच सकता है। इसी डीपीआई का यूज करके रास्टार भी अपनी गेम को इम्प्रूव करता है और हम अपनी गेम को ओपन करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपने इसको बढ़ाया तो आपके फोन के बटन सारे बड़े हो जाएंगे। मैं आपको एडवाइस देता हूँ, गेम खेलने के बाद अपने डेवलपर ऑप्शन में जाना और वहाँ से अपने डीपीआई को कम कर देना है ताकि आपका फोन सही से चल सके, नहीं तो आपके बटन का साइज बड़ा रहेगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगी। और हाँ गाइस, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपने इस डीपीआई को ज्यादा नहीं करना, आपका फोन खराब हो जाएगा। इससे नॉर्मल डीपीआई रखनी है आपने। मैं आपको दिखाता हूँ डीपीआई का कमाल। अब मैंने सेम वही प्रोसेस किया और जंप करके हेडशॉट मारने की ट्राई की और मेरे लग भी गया। अब मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, भाई मेरे फुल रेड लगे हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली